तो घोस्टली आर्मी कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मैन इन ब्लैक मूवी तो जरूर देखी होगी, राइट। तो आज ऐसे ही एक चीज के बारे में बात होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप SCP क्रीचर्स के बारे में। अब आपका सवाल होगा कि SCP आखिर ये SCP है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं SCP फाउंडेशन क्या है। तो ये एक ऐसी फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे क्रीचर्स को ढूंढने और अपने साथ रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है जो नेचर का लॉ तोड़ते हैं। जैसे ऐसे इंडिविजुअल्स, क्रीचर्स, एंटिटीज, लोकेशंस और ऑब्जेक्ट्स जो सबसे अलग और अनोखे हैं। ये बेसिकली सब कुछ एक ऑनलाइन बेस्ड वेबसाइट है जहां पर ऐसे क्रीचर्स के बारे में लिखा गया है जो कि बहुत खौफनाक हैं और आपकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं। अब बात करें कि आखिर ये आया कहां से। तो सबसे पहले तो ये 4chan.com नामक एक वेबसाइट पर पोस्ट हुआ था और वहां पर पोस्ट किया गया था SCP-173 नाम के क्रीचर के बारे में, जिसने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी। उसके बाद में SCP विकी क्रिएट करी गई 19 जुलाई 2008 में, जहां पर सब लोग आकर अपने अपने SCPs के बारे में बता सकते थे। तो ये एक बेसिक सी वेबसाइट थी और वहां पर ऐसी चीजों के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहां पर ये हो गई बेसिक सी जानकारी कि SCP फाउंडेशन है क्या। और आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस साइट पर लगभग 5000 से ज्यादा SCPs दर्ज हैं। यस, इट्स फ्रीकिंग 5000। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसके सबसे खतरनाक टॉप नॉच ऐसे SCPs के बारे में जो बहुत खतरनाक हैं। और आने वाले फ्यूचर में हम अलग अलग वीडियोस में और भी ज्यादा SCPs के बारे में बात करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और शेयर करिए ताकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप सब तक पहुँच पाए। तो चलिए अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर आता है सबसे पहले द फादर ऑफ ऑल SCPs, यानी कि सबसे पहला और ओरिजिनल SCP जिसका नाम है SCP-173 द स्कल्पचर। जब भी SCP की बात होती है तो सबसे पहले इसी की बात आती है। इस चीज से प्रेरित होकर एक गेम बनाया गया है जिसको कहते हैं कंटेनमेंट ब्रीच। और जब भी इस गेम की बात आती है तो हम SCP-173 को याद ना करें ऐसा नहीं हो सकता। दिखने में ये क्रीचर बहुत ही घिनौना स्कल्पचर जैसा दिखता है। अगर कभी इसका सामना आपसे हो जाए तो इसकी तरफ लगातार आपको देखते रहना होगा जब तक आप इससे बहुत दूर ना पहुंच जाए। और अगर गलती से आपका आई कांटेक्ट इससे टूट गया तो पलक झपकते ही ये आपकी तरफ आके आपकी गर्दन मरोड़ देगा। जैसे जैसे आप इसकी तरफ पलके झपकाते जाएंगे तो हर ब्लिंक के साथ में ये आपके और करीब आता चला जाएगा। इसके ओरिजिन्स अननोन हैं और फाउंडेशन ने जब इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो इससे यही बात पता चली कि ये क्रीचर्स बस सारी मानव जाति को खत्म करना चाहता है। विकिपीडिया में SCP-173 के बारे में ये लिखा है कि इसका नेचर बहुत सैड है और इसको बोलना नहीं आता और ये बस मम्बलिंग करता है। अब ये कुछ भी हो, लेकिन मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरी हर बार आईज ब्लिंक होने पर ये मेरे आसपास भी आए। अब अगला SCP है SCP-978 द पोलराइड कैमरा। ये कैमरा देखने में तो साधारण सा है पर असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये इस लिस्ट में नहीं होता। इसकी खासियत ये है कि जब भी इस कैमरा से फोटो ली जाती है तो फोटो में आपकी प्रेजेंट की पिक्चर नहीं आती, बल्कि ये कैमरा वो दिखाता है जिसकी आप सबसे ज्यादा इच्छा रखते हो। कुछ लोगों पर टेस्ट करने के बाद में ये पता चला कि या तो इस कैमरा में लोगों की ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पर वो लोग कहीं और ही हैं और कुछ अच्छा सा कर रहे हैं, या फिर अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं यानी कि वो बस मरने ही वाले हैं। तो इस SCP की खासियत ये है कि ये आपकी अच्छी बुरी या फिर ऐसी फोटोज दिखाकर या आपके दिमाग के साथ खेलता है। अगर आपके पास में आज से 10 साल बाद की फोटो आ जाए तो आई एम श्योर कि आप काफी समय तक वही डिस्टर्ब्ड रहेंगे। अब ये वाला SCP काफी क्लासिक है क्योंकि इसको स्लेंडरमैन का पागल कजन बताया गया है। इसके हाथ पैर और दिखने में काफी एक जैसे हैं स्लेंडरमैन जैसे, लेकिन इसका मुंह स्लेंडरमैन से काफी बड़ा है। बड़े बड़े पंजे इसके पास में हैं और ये नग्न अवस्था में रहता है, यानी कि ये कपड़े नहीं पहनता। और इसकी इस खासियत की वजह से ही इसको कंटेनमेंट ब्रीच गेम में जगह मिली है। तो ये ओरिजिनल SCP यानी कि SCP-173 का अपोजिट है, क्योंकि अगर आप इसकी आंखों की तरफ देखोगे तो इसको बहुत शक्ति मिलेगी और ये आपके आसपास आके आपको खत्म कर देगा। लेकिन अगर आप इसकी तरफ नहीं देखते तो आपको कुछ नहीं होगा और ये अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। SCP फाउंडेशन तो ये भी कहते हैं कि इसकी मात्र फोटो देखने से भी आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब लिस्ट में अगला SCP है एक रूम, जहां पर रूम के अंदर बहुत अजीब चीजें होती हैं और ये पूरी तरह निर्भर करता है कि आप किस दिन इस रूम के अंदर एंट्री ले रहे हो।
और इस बात पर यकीन रखिए कि जब मैं ये कहता हूँ कि अजीब, तो वाकई में ये बहुत ही ज्यादा अजीब और क्रीपी है। एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपको रूम के अंदर एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जो अपने ही मांस के टुकड़े हाउस को खिला रहा होगा और आपसे रिडल्स यानी कि पहेलियों में बात करेगा, और ये बात होगी एक एबॉर्शन के बारे में जो वहीं नीचे वाले बाथरूम में हुआ होगा, और एक होल के बारे में भी ये बात करता है जो फ्लोर के आसपास वॉल्स में है। अब अगले दिन ये रूम पूरी तरह बदल जाएगा और दीवारों में स्क्वायर शेप के होल्स दिखेंगे, और साथ में होगा बाथरूम में एक सिंक जहां पर फीटस यानी कि प्री मैच्योर्ड बेबी मिलेगा। एक बार की बात है कि एससीपी फाउंडेशन ने एक रिमोट कार कैमरा में लगी हुई इस रूम में भेजी थी। इसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वो जो होल्स रूम में दिखाई देते हैं उसमें से ये कार गई और वहां उनको दिखा एक जायंट फीटस जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज था, और इसी की वजह से इस रूम में ऐसे भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन इस बूढ़े आदमी का यहाँ पर क्या काम था? क्या वो वही डॉक्टर था जिसने किसी औरत का अबॉर्शन किया था? लेकिन कौन जानता है कि वो वहां पर क्यों था, लेकिन वो जो भी है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है और मैं ऐसी जगह पर कुछ मिनट्स भी गुजारना नहीं चाहूंगा। लेकिन आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब इस वाले एससीपी को लिस्ट में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। जैसा कि आपने नाम से देखा, ये एक किस्म का हाइब्रिड रेप्टाइल है जो कि खुद को अपने पर हुए हमलों के मुताबिक ढाल लेता है, जिसको अडेप्ट करना कहते हैं। ये इतना खतरनाक है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ये खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप इस पर हमला करते हैं तो ये होगा, इसकी आंख पर वार किया तो दूसरी आंख ये ग्रो कर लेगा, इसकी कोई लिम्ब उखाड़ दो तो वो दूसरी वापस आ जाएगी यानी कि वो रीजनरेट कर लेता है। स्किन तबाह करोगे तो स्किन तो फिर से रीजनरेट हो जाएगी और उसको वो आर्मर जैसा स्ट्रॉन्ग कर लेगा। बेसिकली ये एक डेथ मशीन है। एससीपी फाउंडेशन ने इसको कई बार तबाह करने की कोशिश की, और अब इसके बारे में एक खास बात ये है कि एक एससीपी है 053 जो कि एक गर्ल चाइल्ड है, और इसके पास ऐसी शक्ति है कि जो भी इसके रास्ते में आता है या आसपास में होता है वो इस लड़की को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो एससीपी फाउंडेशन ने इस रेप्टाइल को इस लड़की के पास में रखा और बस वो रेप्टाइल उसका पेट बन गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि इस रेप्टाइल ने किसी को अपनाया हो। और एक और वारदात ये थी कि ओरिजिनल एससीपी के साथ में यानी कि SCP-173 को इसके साथ रखा गया तो ये रेप्टाइल खौफ में आ गया और दूर भागने लग गया SCP-173 से। तो अब यहाँ पर सवाल उठता ये है कि आखिर ओरिजिनल एससीपी के पीछे की कहानी है क्या? इस रेप्टाइल का डिजाइन रशिया के एक बीच पर पाई गई वेल से मिलता जुलता है। क्या पता रशियंस ने वाकई में इसको देखा हो, लेकिन जो भी हो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर इस एससीपी को सेलेक्ट करने की वजह है इसका लुक। जब भी इस एससीपी का पेज कोई ओपन करता है तो इसको देखकर आसानी से डर सकता है। इसका डिजाइन काफी ज्यादा खतरनाक और क्रीपी है। तो SCP-106 एक सड़ता हुआ ह्यूमनॉइड है, और जिसको भी ये छू लेता है वो भी इसी की तरह सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये उस व्यक्ति को अपने डायमेंशन में ले जाता है जिसमें ये अपनी मर्जी से कभी भी आ जा सकता है। सॉलिड मैटर में ये आसानी से गायब हो जाता है, और इसी एबिलिटी की वजह से इसको पकड़ना काफी मुश्किल है। लुक्स के अलावा भी इसमें ये काफी खतरनाक एबिलिटीज हैं। और अगर मान लीजिए आप उस डायमेंशन से बाहर आ भी जाते हैं बाय चांस, तो आप ऐसे दिखोगे। अब यहाँ पर बात आती है इस लिस्ट में शामिल आखिरी एससीपी की, और ये है फार्म हाउस, जहाँ पर आप अगर एंट्री लेते हो और अगर आपने एंट्री डोर खुला छोड़ दिया तो आप वापस आ जाओगे, लेकिन अगर गलती से आपने गेट बंद कर दिया तो आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये गेट्स खुद को बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये कंसेप्ट ग्रेव एनकाउंटर्स मूवीज से लिया हुआ लगता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर अंदर फंस भी गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ फंसने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको फार्म हाउस के अंदर शेडो से बने हुए डीमंस मिलेंगे जो कि आपको रोशनी की जगह पर ज्यादा डराएंगे और आपको मार सकते हैं, यानी कि अंधेरी जगह पर आप ज्यादा सेफ रह सकते हैं। इस फार्म हाउस में एक ऐसा रूम है जहाँ पर इन शेडोज ने लोगों के दिल निकाल कर रखे हुए हैं, और अगर आप गलती से इन शेडोज के हाथ लग गए तो आपका भी दिल निकाल लिया जाएगा और उस रूम में रख दिया जाएगा, और फिर आप भी शेडो क्रीचर्स में से एक बन जाओगे और हमेशा के लिए वहीं पर फंस जाओगे। अब यहाँ पर मैं लिस्ट में एक और SCP को इंक्लूड करना चाहता था, लेकिन वो काफी ज्यादा ही डर्टी है और मैं इस वीडियो पर बैन लगवाना नहीं चाहता। तो अब आप SCP-597 द मदर के बारे में सर्च कर सकते हैं। साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है,
वहां जाके आप काफी सारे SCPs के बारे में पढ़ सकते हैं और मुझे जरूर बताइएगा कि इस लिस्ट में आपको फेवरेट SCP कौन सा लगा और आप कौन से SCP से सबसे ज्यादा डरे। इस फाउंडेशन को लेकर एक गेम भी है कंटेनमेंट ब्रीच, जहां पर आप एक जगह पर फंस जाओगे जहां पर सभी का सामना इन क्रीचर से होगा, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कूल है। अब बात करते हैं कि क्या ये सब रियल है या फिर एक महज मजाक, तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। वैसे तो ये सब एक फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, पर जिस तरह से डिटेल में इन सब के बारे में लिखा गया है, तो ये भी हो सकता है कि इन सबको बस एक मजाक के रूप में दुनिया के सामने लाके असल में ऐसा कुछ किया जा रहा हो और वाकई में कोई ऐसी एजेंसी या फिर कोई ऐसा फाउंडेशन ग्रुप हो जो ऐसा करता हो, क्योंकि हम सब कॉमन लोग हैं और हम अभी अपनी छोटी सी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। खैर, आप सब मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आप सभी का इस फाउंडेशन और ऐसे क्रीचर्स के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये सब रियल हो सकता है और क्या दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए ही आम इंसानों से ऐसी बातें छुपाई जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ऐसी और वीडियोस चाहिए तो खूब सारे कमेंट्स करिए, और अगर आप SCP के बारे में डिटेल में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि मैं आपको पर्सनली इन सब के बारे में बता सकूं। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अच्छा रेस्पॉन्स इस वीडियो पर रहा तो जल्दी और भी ऐसी मिस्टीरियस टॉपिक्स पर वीडियोस आएंगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ घोस्ट सीरीज चैनल की अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।